आदिवासी कुकिंग नल्ली पाया पराठा। नल्लमल्ला के जंगलों में सुनीपेंटा नाम का एक गांव था। उस गांव में छोटे छोटे कस्बे थे। वहां लोग साइट सीइंग के लिए आते थे। उन पर्यटकों के लिए रानी और उसके पति शेषु मिलकर पाया पराठा बनाकर बेचते थे। बेशक एक रुपए कम मिले, लेकिन रानी अपने क्वालिटी में कोई कमी नहीं करती थी। इसीलिए मंजू नाम का व्यक्ति रानी को खास तौर पर बकरी के सर और पैर सस्ते दामों में बेचता था। बेशक मंजू को कम लाभ मिलता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था। एक दिन रानी के घर उसका भाई पुनीत आया। वो बहुत ईर्ष्यालु था। रानी के दुकान के पास बहुत भीड़ देखकर उससे सहा नहीं गया। एक दिन पुनीत उसके जीजाजी शेषु से, क्यों जीजाजी, लगता है बहुत बिजी हो गए हो आप हैं? पर ये क्या जीजाजी, आपने मेरे दीदी के लिए सोने का एक हार भी नहीं बनवाया। अगर उसे आप सोने का हार बनाकर देते तो मैं आकर गिरवी रखता ना जीजाजी। वैसे इतने पैसे जो आप दोनों कमा रहे हो, उसका करते क्या हो आप दोनों? तब शेषु, अरे लाभ कहाँ मिलता है पुनीत, तुम तो अपने दीदी के बारे में जानते हो ना। अगर क्वालिटी में कोई हेर फेर की तो अपने पति को भी नहीं बख्शती, वो मुझे मारेगी। और वैसे भी पुनीत, धंधा भरोसे पर चलता है। तब पुनीत, अरे जीजाजी, भरोसा गई तेल लेने। आज के जमाने में ये सब कोई नहीं देखता। धंधे में उतरे तो बस जितना हो सके लोगों से पैसा ले लो। यूं कही रहा था कि तभी रानी वहाँ आई। अरे भैया, बोलना आसान है, धंधे में उतरो तो पता चले गहराई। और वैसे भी जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें हम आदिवासियों पर भरोसा है। वो ये मानते हैं कि जो अच्छा स्वादिष्ट खाना उन्हें अपने शहरों में नहीं मिलता, वो यहाँ इस गांव में मिलता है। उस भरोसे को हम नहीं तोड़ सकते। तब पुनीत, अरे दीदी तुम भी क्या लेके बैठ गई हैं? भरोसा तो ठीक है दीदी, देखती जाओ, एक महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारे दुकान के सामने एक अपना ढाबा खोलूंगा, जहाँ पर बकरी का पाया और नल्ली पराठा बनाकर खिलाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तो बोटी भी बेचूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पैसे कैसे बनाते हैं। अपने इस भाई को देखकर सीखना दीदी है, कहकर वहाँ से चला गया। यूं दो हफ्ते बाद पुनीत अपने दोस्त बद्री के साथ आया। रानी के दुकान के सामने ही उसने एक ढाबा खोला और वहाँ वो पाया नली पराठा के साथ साथ बोटी भी बेचने लगा। अब लोगों से पुनीत, आओ भाई आओ, एकदम बढ़िया क्वालिटी का नली पाया खाओ, साथ में पराठा और बोटी भी एकदम सस्ते दामों में। मुझे लाभ नहीं, आपके चेहरे पर खुशी चाहिए। भाई किसी ने कहा था कि कस्टमर इज गॉड। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं उसको फॉलो करता हूँ। आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगा। क्योंकि वो सस्ते दाम में बेच रहा था, लोग उसके पास आकर खाने लगे। यूं दो ही दिनों में लोगों को उसके खाने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे पुनीत ने नली पराठा में हड्डियां कम डालने लगा, लेकिन बोटी करी ज्यादा डालने लगा। यूं वो ज्यादा पैसे बचाने लगा। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन उसके पास पराठा खाने वाला है एक ग्राहक। भाई पुनीत, मैं तुम्हारे पास हर रोज नली पराठा और बोटी खा रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते से जब से मैं ये बोटी खा रहा हूँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों भला? तब पुनीत, अरे भैया ये कोई साधारण पेट दर्द नहीं है, ये इस नली पराठा और बोटी करी के लिए तुम्हारा पेट तड़प रहा है, बस यही है। यानी जैसे ही खाने का टाइम हो जाए तो तुम्हारा पेट कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो पराठा खाना है, नल्ली पराठा, वो भी पुनीत वाला नल्ली पराठा, जल्दी करो जल्दी करो। यूं तुम्हारा पेट तुम्हें इशारा कर रहा है भैया। तब वो ग्राहक, अरे पता नहीं भैया तुम क्या कह रहे हो, लेकिन पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है भैया, दो दिनों से नल्ली पराठा और बोटी करी बहुत ज्यादा खा रहा हूँ। वैसे एक बात है भैया, इससे पहले रानी दीदी के पास खाता था तब तो कोई पेट दर्द नहीं हुआ मुझे, बताओ क्यों? तभी मंजू वहाँ आया।
और कहने लगा, अरे पगले, पैसे बचाने के चक्कर में लालच में पता नहीं कहाँ कहाँ खाने लगे। पहले ये मेरे पास आकर बोटी ले जाता था, बाद में उसने मेरे पास आना बंद कर दिया। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि ना जाने कहाँ कहाँ से खरीद कर लाता है। दूसरे गांव से कुत्ते की हड्डियाँ और बकरी की बोटी के जगह मुर्गी की बोटियाँ लाकर पकाकर खिलाता है। तब पुनीत, क्या कहा? अरे झूठे का मुंह काला, तेरा सत्यानाश हो, ऐसे झूठ बोलते हो। अरे इस मंजू पर कोई भरोसा ना करना, ये जलता है क्योंकि मैं इससे नहीं खरीदता ना, इसीलिए ये झूठ बोल रहा है कि ये कुत्ते की टांगे हैं। तब ग्राहक को गुस्सा आया और कहने लगा, क्या तू हमें कुत्ते का पाया खिलाता है, हमें धोखा देता है? आज तो बच्चू तेरा सत्यानाश हो जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। अरे यार, हमें खिलाया वो तो ठीक है, लेकिन तू टूरिस्ट लोगों को भी यही खिलाता है, अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? कहकर दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसने पुनीत के बनाए हुए पराठा और पाया उसे ही खिलाया और उसके मुंह में ठूस दिया। ये देखकर बाकी कस्टमर्स ने ताली बजाई। ये सब देखकर शेषु पुनीत के पास दौड़ा दौड़ा आया। शेषु को देखकर पुनीत, देखा जीजा जी, ये गांव वाले कितने बड़े साइको हैं, इन्होंने मेरा परोठा मेरे ही मुंह में ठूस दिया। तब शेषु, अब लोगों से पंगा लोगे तो यही होगा भैया, अगर लोगों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करोगे तो सिर पर बिठाएंगे, और ऐसा हेरा फेरी करोगे तो तुम्हें उल्टा लटकाएंगे। अब दोबारा यहाँ आस पास दिखाई ना देना, चलो चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ और वहाँ से सीधा अपने घर चले जाना। कहकर उसे अस्पताल ले गया।